बड़ौत में शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 709 बी पर चल रहा किसानों का धरना 34वें दिन भी जारी रहा। संवाददाता बड़ौत की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने अपने चेहरों पर अदानी, अंबानी व तीनों कृषि कानूनों के पोस्टर लगाकर उन्हें गोला लाठी दी। इस दौरान किसानों का कहना था कि देशी भाषा में गोला लाठी का मतलब होता है कि सजा देना, जो कि पूर्व के समय में पंचायत द्वारा लिए निर्णय के बाद संबंधित व्यक्ति को दी जाती थी। वहीं किसानों का कहना था कि कानून वापसी होने तक वे अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। जनवाणी टीवी के लिए बड़ौत से संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। ब्रजपाल जी, आज धरने पर क्या किया गया किसानों द्वारा? धरने पे ये किया गया, काले कानूनों का गोला लाठी दी गई। जो समाज व्यवस्था होती है हमारी, पंचायत जो होती है, उसमें जिस किसी के ऊपर कोई दंड कराया जाए या सजा दी जाए, वो गोला लाठी का प्रावधान है। वो किया हमने, उसको सजा दी, गोला लाठी दे गए इन काले कानूनों। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, अगर वापसी ना लिए तो सरकार के भी गोला लाठी दे देंगे किसान। 26 तारीख की क्या योजना? 26 तारीख की पूरी जोर शोर से तैयारी है, हर गांव में तैयार हो रहे किसान। 25 तारीख कल है, 25 तारीख में धरने पे सब किसान इकट्ठा होंगे, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पूरे इंतजाम के साथ, खाना पीना ईंधन गोस्ता सब लेके दिल्ली को कूच करेंगे 25 तारीख में। विकास प्रधान, विकास जी, आज क्या किया गया धरने पे? आज धरने पे जो तीन काले कानून थे उनका गोला लाठी दिया गया और सभी किसान भाइयों को बताएगा कि जो 25 तारीख में चलना है, यहाँ से 26 तारीख के लिए सभी अपने गांव में ट्रैक्टर की लिस्ट बनाएंगे, गांव में मुनादी करवाएंगे, ढुंढोरा करवाएंगे और सभी वह लिस्ट लेकर कल यहाँ पे आएंगे और कम से कम 5-7 हज़ार ट्रैक्टर छपरौली छपरौली से निकलेंगे। वकील साहब, आज धरने का कौन सा दिन है और क्या आयोजन किया गया आज? आज 34वां दिन है धरने के लिए। आज जो अडानी अंबानी और जो तीन काले कानून है उन्हें आज गोला लाठी दे के एक संकेत सरकार को दिया है, या तो काले कानून वापस ले ले, नहीं इसी तरह अडानी अंबानी को तीन काले कानून को गोला लाठी देकर खत्म करवाओगे, इन्हें वापस लुवाओगे सरकार से। मैं परमिंदर तोमर। परमिंदर जी, किसानों का धरना चल रहा है, सरकार भी नहीं पीछे हट रही है, तो अब 26 तारीख को जो ऐलान किया, क्या निर्णय आगे का? जो हमारे किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है, तो आप आश्चर्यचकित हो गए, 26 तारीख में देश का सबसे ज़्यादा युवा किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करने का काम करेगा। और आपने देखा होगा आज़ाद भारत में ये पहला आंदोलन किसानों ने अनुशासन में रहते हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी युवा किसान, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, और चाहे हमारे युवा नौजवान हो, सबसे ज़्यादा भागीदारी बुजुर्गों के साथ युवा किसी भी आंदोलन में, या तो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया था युवाओं ने, या किसान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो रहा है और उनके जवान, उनके बेटे सीमा, देश की सीमा पर उनकी सुरक्षा में उन शहीद हो रहे हैं। सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए किसान को और जवान को। पहली बार देश में किसान इस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा है, उनका अपमान हो रहा है और सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। ये बहुत दुखदायी खबर है, देश को शर्मसार करने वाली